हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सोनल और सोनल दीपक की दुनिया में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज है दीपावली और आप सभी को हैप्पी दीपावली मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से। तो ये फेस्टिवल मज़ा आता है इसमें, है ना। पूरे टाइम तीन चार दिन में पूरे इस महीना तो दीपावली का ही चल रहा है। धनतेरस तो ये सफाई, वो सफाई, ये खरीदारी, तो यही सब चल रहा। थकाने वाला तो फेस्टिवल है बट मज़ा बहुत आता है। तो अभी तो चलते हैं किचन में। अभी जस्ट मैं नहा वाली हूँ, पूजा वूजा हो गया मेरा। तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ किचन में सब कुछ बनाना। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं आज क्या स्पेशल बनाऊँगा। स्पेशल मीन्स क्या, वही आज पूड़ी वूड़ी बनता है, यही सब होता है। तो ये सब किचन में अभी मैं बना ही रही थी, तो सोचा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और आपके ज़िंदगी में, आपके लाइफ में हमेशा लाइट रहे, हमेशा भगवान लक्ष्मी जी का वास रहे। तो मैं आप प्रे करूँगी कि सबके साथ अच्छा हो। और मुझे भी कमेंट सेक्शन में आप हैप्पी दिवाली लिखना ज़रूर। और सब कुछ तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, वही गिफ्ट विफ्ट रैप कराना है। और जितनी भी थोड़ा बहुत सामान है तो उसको इधर उधर करना है। रंगोली बनाना मेन तो सबसे बड़ा टास्क है, रंगोली बनाना। तो वो, और आप मुझे बताना, एक तरफ मैं बना रही हूँ और एक तरफ मेरे हस्बैंड बना, तो वो चैलेंज था। तो आप बताना कि किसकी रंगोली अच्छी बनी है। सो यही सब चल रहा। तो आज पूरा दिन मैं आप लोग के साथ बिताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, घर पे कैसे पूजा होता है और क्या क्या हुआ। तो मैं आप आज पूरे दिन आपके साथ रहूँगी। सो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। A few minutes later. दिवाली में स्पेशल बना है ये दही बड़ा, और इसके बाद ये घी बनाई हमने, और थोड़ा सा मैंने पुलाव बनाया है, यमी यमी सा पुलाव। और ये बना है मेरा मटर पनीर की सब्जी। ये मटर पनीर की सब्जी है, तो अच्छा लगा। और यहाँ पे ये सूरन की सब्जी है, तो ये सूरन की सब्जी आज हमारे घर में दीपावली में ये स्पेशल बनता है। कोई इसे ओल बोलता है, तो आप क्या बोलते हैं ये मुझे बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला मैंने बनाया। और यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ तल कर रखी हुई हैं, अभी और तलूँगी। थोड़ा गरम गरम पूड़ियाँ, ये ठंडी हो चुकी थी तो ये पूड़ी है। That's it. इतनी चीज़ें मैंने बना के रखी हैं। थोड़ा सा आटा मैंने गूंद के यहाँ पर रखा है, फिर और बनाऊंगी अभी। सो इतनी चीज़ें बनाई हूँ। और अभी मैं यहाँ पे बनाऊंगी, ये हमारा कल वाला रंगोली है जो मैंने कल बनाया था। आज देखते हैं वो क्या बनाते हैं, हम यहाँ इस साइड बनाएंगे। सो अभी मैं जा रही हूँ रंगोली बनाने, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं कैसे रंगोली बनाती हूँ। तो यहाँ पे सारा पूजा का सब कुछ सज चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पे लक्ष्मी जी, गणेश जी और ये सब दिया गया, सब कुछ रखा। और अभी मम्मी झाड़ू का पूजा कर रही है। तो आज के दिन झाड़ू का पूजा किया जाता है, तो ये बहुत शुभ होता है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। यहाँ पे सारे फ्रूट्स, पूजा का सब रखा हुआ है। बाकी सब सज चुका है, लेकिन अभी टाइम हुआ है 7:15, तो 7:34 पे शायद पूजा स्टार्ट करना है। तो तब तक सब कुछ हो चुका है, सारा सेटअप लग गया है, मतलब भगवान जी का। तो प्रसाद भी चढ़ गया, प्रसाद में हाँ मिठाई, हमारे यहाँ तो मिठाई और फ्रूट्स ही चढ़ता है। तो सब कुछ हो गया है, बस दिया चलेगा बाद में। और आज के दिन क्या हुआ चढ़ाई का, क्या टीका रंगोली दिखाती हूँ। यहाँ पे ये सब मम्मी ने दरवाजे पे किया है और यहाँ पे भी हम लोगों ने दिवाली यहाँ पे दिया जला दिए। और ये है इनकी रंगोली, ये सेकंड डे की रंगोली थी। और ये है इन्होंने आज ये वाली रंगोली बनाई है। कितना सुंदर बनाना, सच्ची बहुत सुंदर बना, मतलब ऐसा लग रहा है स्टीकर वाला रंगोली है, बहुत प्यारा लगा। आपको नज़दीक से इसका जो ये जो बीच में डिज़ाइन बनाया ना, बहुत सुंदर। मैं इतनी बिजी थी कि मैं ये कैसे बना रहा हूँ ना, मैं इसको सूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं इस समय बहुत काम करता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये बहुत काम होता है। और ये वाला मैं बनाई हूँ, ये देखिए मैंने भी अच्छा बनाया, ऐसा नहीं है। तो ये मैंने बनाया और ये मतलब सामने वाली आंटी का। सो यही सब चल रहा है अभी घर पे। मैं ऐसा ड्रेस पहनती हूँ ना कि मेरा वहाँ पे ये लोग मिठाई को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा गाड़ी ड्राइवर लोग को, तो अभी ये लोग लेके जाएंगे। तैयारी चल रही है इसको लेके जाने के लिए, और हो सकता है तो गाड़ी का पूजा भी होगा। नहीं बच जाएगा, कहाँ से कोई सब नहीं है, लोग लेके जा रहे हैं। यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही है, सब कुछ हो गया। तो खाना तो हमारा वो वही सब दिन का बचा होता है। और यहाँ पे भी गैस पे भी जलाते हैं, और इधर भी ये सूप छलनी सब पे, और इधर और ये है हम लोग की लाइटिंग। और ये तो किचन का लाइटिंग है, मैं उधर का लाइटिंग आपको दिखाती हूँ। तो सेकंड वाला, ये सेकंड वाला रूम इसमें तो जल ही नहीं रहा है। मैं नीचे से दिखाती हूँ आप लोग को, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। मैं नीचे जाऊँगी ना तो फिर समझ में आएगा। ये मेरे रूम का है, तो इसमें हमने सिर्फ कंदील ही लगाया, और बाकी हॉल का मैं दिखाऊंगी आपको, मैं नीचे से दिखाऊंगी, नीचे से ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे भी हमने दिया जला दिया, क्योंकि ऐसा टेबल पे भी इनका काम करने का जगह, तो यहाँ पे भी जलाते हैं। तो अभी चलते हैं, थोड़ा देर में पूजा होगा। A few minutes later. गणेश जय गणेश देवा, माता पार्वती महादेवा, अंधन को आंख देते कोड़े को काया, भांजन को पुत्र देते निर्धन को माया। जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं। कुछ गाड़ी आई है, सारी गाड़ी तो आई नहीं है, कुछ गाड़ी आई है, मतलब एक दो गाड़ी आई है, तो हम लोग उसको जा रहे हैं पूजा करने, क्योंकि आज पूजा किया जाता है। सारी गाड़ी नहीं, और पापा की ऑटो भी थी वो भी नहीं आई है क्योंकि वो लोग अभी दूर दूर पे है तो अभी आना पॉसिबल नहीं है। तो अभी जितनी आई है उतनी की हम पूजा कर देते हैं। एक की भी हो जाएगी तो ठीक है क्योंकि एक दो ड्राइवर भैया ही आ पाए हैं, बाकी सब नहीं आ पाए क्योंकि वो बहुत दूर पे थे, भाड़ा लेके निकले हुए थे, जिसकी वजह से नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, तो वो लोग आएंगे ना, कल आएंगे तो उनका गिफ्ट पापा दे देंगे। तो अभी जितने लोग आए हैं, दो जन आए हैं, दो गाड़ी आई है, तो एक ये गाड़ी आई है और एक ये गाड़ी आई है, तो दोनों की भी पूजा होगी। उसके बाद ये हमारे ड्राइवर भैया और इसकी अभी पूजा होगी, इसकी भी होगी, फिर इन्हें गिफ्ट दिया जाएगा। बाकी सब कल आएंगे तो कल उनको दिया जाएगा क्योंकि वो दूर है तो नहीं आ पाए, तो रखा हुआ है उनका। और मैं दिखाती हूँ कि हमारा रूम कैसा डेकोरेट है। तो ये मम्मी का साइड का है और ये मेरा साइड है और मैं ये इधर किचन है और यहाँ पे ये हॉल का साइड है। तो ये भी अच्छा दिख रहा है, हॉल वाला ज़्यादा अच्छा दिख रहा है क्योंकि हमारा हॉल का साइड का है। मैं नीचे से दिखा रही हूँ क्योंकि नीचे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऊपर भी सब कुछ सब सजाए हुए हैं, ज़्यादा हॉल का अच्छा लग रहा है। यहाँ पे चल रही है पूजा। अभी एक गाड़ी की हो गई है और अभी एक गाड़ी एक और भैया आएंगे, अभी इसकी पूजा होगी, फिर उसके बाद बस दो ही आएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी उनका वेट कर रहे हैं, अभी वो शायद कुछ लेने गए हैं, वो माला लेने गए हैं क्योंकि एक ही गाड़ी की माला हम लोग लेके आए थे, तो लेके आ रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी गाड़ी की पूजा होगी। तो यहाँ पे हमारे सारे दोस्त लोग इधर आए हुए हैं। मतलब ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ये वही सोनाली है जिसने मुझे रेडी किया था। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये एकदम फुल महाराष्ट्रियन लुक में, आप इसकी साड़ी देखो सही लग रही है, क्या पहनती है। और आज सुन्नत भी पहनी है इसलिए बहुत अच्छी लग रही है, और ये भी मस्त लग रही है। और यहाँ पे ये फोटो खींचने में लगे हुए हैं। ये इधर खाने खाना और ये सोसाइटी का कुछ ऐसा माहौल हो गया पूरा धुआं काम ऐसा बिल्कुल झटका आता है।